Creating New Content Types पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे नया कंटेंट टाइप बनाना और कंटेंट टाइप में फील्ड्स को जोड़ना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम Drupal 8 और Firefox वेब ब्राउजर का उपयोग कर रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी वेब ब्राउजर उपयोग कर सकते हैं। अपने वेबसाइट को खोलें, जिसे हमने पहले बनाया है। हम जानते हैं कि बिल्ट-इन कंटेंट टाइप्स क्या हैं। कुछ कस्टम कंटेंट टाइप्स को बनाते हैं। कंटेंट टाइप का परिचय याद करें। हमने बॉडी में सब कुछ समान करना नहीं सीखा था। अब हम सीखेंगे कि कस्टम कंटेंट टाइप को कैसे बनाना है। हम एक इवेंट्स कंटेंट टाइप बनाएंगे, जो कि दुनिया के सभी Drupal इवेंट्स को ट्रैक करेगा। सबसे पहले पेपर पर बनाते हैं कि इस कंटेंट टाइप के लिए हमें किन फील्ड्स को कैप्चर करने की जरूरत है। इसे Drupal में बनाने से पहले सभी नए कंटेंट टाइप्स के लिए यह एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फील्ड नेम, फील्ड टाइप और पर्पस के लिए कॉलम्स के साथ टेबल बनाएं। सभी Drupal नोड्स के टाइटल और बॉडी फील्ड्स हैं, जो डिफॉल्ट रूप से परिभाषित हैं। इवेंट नेम, इस इवेंट को अद्वितीय तरह से पहचान करने के लिए टाइटल फील्ड हो सकता है। इवेंट डिस्क्रिप्शन कुछ प्लेन टेक्स्ट के विवरण को प्रदान करने के लिए बॉडी फील्ड हो सकता है। एक इवेंट लोगो इवेंट के किसी भी विशेष लोगो को प्रदर्शित करने के लिए एक इमेज है। हमें डेट टाइप के इवेंट डेट की जरूरत है, जो इवेंट के शुरू होने की और समापन की तिथि को दर्शाता है। इवेंट की एक अलग इवेंट वेबसाइट हो सकती है, जो इस कंटेंट टाइप में प्रदर्शित होने वाला यूआरएल लिंक है। हम इस ट्यूटोरियल में केवल इन 5 फील्ड्स को देखेंगे। बाद में हम इन 2 फील्ड्स के बारे में सीखेंगे। प्रत्येक इवेंट एक यूजर ग्रुप द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। यूजर ग्रुप दूसरा कंटेंट टाइप है, जिसे हम अगले ट्यूटोरियल में बनाएंगे। 2 भिन्न कंटेंट टाइप्स के 2 नोड्स एंटिटी रेफरेंस फील्ड का उपयोग करके Drupal में लिंक्ड हैं। एक इवेंट टॉपिक टैक्सोनॉमी फील्ड है, जिसका उपयोग विभिन्न कीवर्ड्स के अंतर्गत इवेंट्स को श्रेणीबद्ध करने के लिए किया जाता है। अब स्ट्रक्चर पर क्लिक करें और फिर कंटेंट टाइप्स पर क्लिक करें। यह हमारे 2 बुनियादी कंटेंट टाइप्स हैं। नीले रंग के ऐड कंटेंट टाइप बटन पर क्लिक करें। हम अपने नए कंटेंट टाइप को इवेंट के रूप में दर्शाएंगे और डिस्क्रिप्शन में हम टाइप करेंगे, दिस इज वेयर वी ट्रैक ऑल द Drupal इवेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। आप अपने अनुसार यहां कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यह डिस्क्रिप्शन कंटेंट टाइप पेज में प्रदर्शित होगा। आप देखेंगे कि Drupal इसे मशीन नेम देता है। यहां हम देख सकते हैं कि इसका नाम इवेंट्स है। मशीन नेम मूल रूप से डेटाबेस में टेबल का नाम है, जिसे Drupal कंटेंट के लिए असाइन करता है। सबमिशन फ्रॉम सेटिंग्स में टाइटल के स्थान पर इवेंट नेम लिखें। पब्लिशिंग ऑप्शंस में क्रिएट न्यू रिवीजन पर चेकमार्क करें। इसका मतलब है कि जब हर बार नोड एडिट किया जाता है, तो एक नया वर्जन बनाया जाएगा। अन्य सेटिंग्स को छोड़ दें, जैसे वे हैं। डिस्प्ले ऑथर एंड डेट इनफॉरमेशन को ऑफ कर दें। यह इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ कुछ है जो कि प्रत्येक कंटेंट टाइप के लिए अनुशंसित है। मेन्यू सेटिंग्स पर क्लिक करें। अवेलेबल मेन्यूज के नीचे सभी चेक मेन्यूज को अनचेक करें। यह कंटेंट एडिटर को हमारे मेन्यू स्ट्रक्चर में कई इवेंट्स को जोड़ने से रोकेगा। यह सुनिश्चित करता है कि अन्य को हमारे मेन्यू आइटम में इवेंट्स को जोड़ने की अनुमति नहीं है। यदि हम बाद में इवेंट को जोड़ना चाहते हैं, तो हम स्वयं ही इसे कर सकते हैं। सेव एंड मैनेज फील्ड्स पर क्लिक करें। एक बार जब हमारा इवेंट्स कंटेंट टाइप सेव हो जाता है, तो हम बॉडी फील्ड देखेंगे। दाईं ओर एडिट पर क्लिक करें और लेबल के स्थान पर इवेंट डिस्क्रिप्शन लिखें। नीचे सेव सेटिंग्स बटन पर क्लिक करें।
हमने Drupal में अपना पहला कस्टम कंटेंट टाइप बना दिया है। इस समय यह काफी सीमित है, मूल रूप से टाइटल और बॉडी जो कि बेसिक पेज के समान हैं। हम अपने पेपर डिजाइन के आधार पर और कई फील्ड्स जोड़ेंगे और इसे बहुत ही उपयोगी बनाएंगे। ऊपर ऐड फील्ड बटन पर क्लिक करें। सेलेक्ट अ फील्ड टाइप ड्रॉपडाउन में इमेज चुनें। लेबल फील्ड में इवेंट लोगो टाइप करें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। यदि हम चाहें तो चूज फाइल बटन पर क्लिक करके यहां डिफॉल्ट इमेज अपलोड कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो डिफॉल्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। हम प्रत्येक इवेंट के लिए एक लोगो रखेंगे। सेव फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करें। अब हमें इवेंट लोगो फील्ड के लिए सभी सेटिंग्स को सेट करना है। इसमें से अधिकांश प्रासंगिक हैं और फील्ड टाइप पर आधारित हैं। हम अपने कंटेंट एडिटर्स के लिए यहां कुछ हेल्प टेक्स्ट या कुछ इंस्ट्रक्शंस जोड़ सकते हैं। हम रिक्वायर्ड फील्ड बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि कंटेंट आइटम यह नोड सेव नहीं है जब तक कि एक इवेंट लोगो जुड़ा है। हम फाइल एक्सटेंशंस को बदल सकते हैं जिनकी यहां अनुमति है। यहां बिटमैप जोड़ने के लिए रेकमेंडेड नहीं है। फाइल डायरेक्टरी डिफॉल्ट रूप से ईयर और मंथ से भरी जाती है, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं यदि आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए आपके पास इमेज के साथ कई कंटेंट टाइप्स हैं। फिर आप प्रीफिक्स इवेंट्स जोड़ सकते हैं ताकि इवेंट्स कंटेंट टाइप के सभी इमेजेस एक फाइल डायरेक्टरी में हों। Drupal हमें इसे अपने अनुसार नाम देने की अनुमति देता है, लेकिन इसके साथ सावधान रहना होगा क्योंकि हम इसे बाद में आसानी से बदल नहीं सकते। हम मैक्सिमम और मिनिमम इमेज रेजोल्यूशन और मैक्सिमम अपलोड साइज को भी सेट कर सकते हैं। इसमें बदलाव करने से पहले ध्यान से सोचें। कल्पना करें कि आप 2 या 3 मेगापिक्सल की इमेज अपलोड कर रहे हैं। आप अपने विजिविक एडिटर का उपयोग करें इसे कुछ 100 पिक्सल छोटा करने के लिए। Drupal अभी भी 2 मेगापिक्सल इमेज लोड कर रहा है और यह वास्तव में निराशाजनक बात हो सकती है। यह और भी खराब होगा यदि आप अपने मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं और डेटा प्लान से अचानक ही आपने 2 मेगाबाइट डाउनलोड कर दिया है। उसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं थी। सुनिश्चित करें कि इमेज अपलोड करने से पहले हमने उन्हें ठीक तरह से सेट किया है। इमेज का आकार कितना बड़ा होना चाहिए और इमेज का आकार कितना छोटा होना चाहिए। विशेषतः मिनिमम इमेज रेजोल्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह फील्ड बड़े इमेज साइज से छोटा नहीं होना चाहिए जिसे आप प्रदर्शित करना चाहते हैं। यह Drupal को मूल इमेज से अधिक और उन्हें पिक्सेलेटेड करने से बचाएगा। अपने मैक्सिमम इमेज रेजोल्यूशन को 1000 बाय 1000 सेट करें। अपने मिनिमम इमेज रेजोल्यूशन को 100 बाय 100 सेट करें। फिर मैक्सिमम अपलोड साइज 80 KB रखें। Drupal इमेज को 1000 बाय 1000 साइज में श्रिंक करेगा और इसे 80 किलोबाइट्स बनाएगा। और यदि नहीं कर सकता तो Drupal इमेज को अस्वीकार करेगा। यह अच्छा रहेगा कि हम इसे 600 बाय 600 पिक्सल्स करें जो कि एक उचित साइज है। हम Enable All Field और All Field Required चेकबॉक्स को चेक करेंगे। फिर सेव सेटिंग्स पर क्लिक करें। अब हमारे पास अपने कंटेंट टाइप के लिए इवेंट लोगो फील्ड है। ऐड फील्ड पर क्लिक करके अन्य फील्ड को जोड़ें। ऐड अ न्यू फील्ड ड्रॉपडाउन में लिंक को चुनें। लेबल फील्ड में इवेंट वेबसाइट टाइप करें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। तुरंत ही हमें अलाउड नंबर ऑफ वैल्यूज निर्दिष्ट करने का संकेत दिया जाता है। हम इसको 1 वैल्यू देंगे। सेव फील्ड सेटिंग पर क्लिक करें। एक बार फिर से यह स्क्रीन हमें हमारे लिंक फील्ड के लिए कॉन्टेक्स्चुअल सेटिंग्स देगा। अलाउड लिंक टाइप के नीचे हमारे पास ऑप्शन है इंटरनल लिंक्स ओनली, एक्सटर्नल लिंक्स ओनली और बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। अब हम निर्दिष्ट कर सकते हैं कि क्या हम अलाउ लिंक टेक्स्ट को
disabled, optional या required बना रहे हैं। अभी के लिए हम इसे optional ही रखते हैं और देखते हैं कि यह कैसे कार्य करता है। आगे बढ़ें और save settings पर क्लिक करें, फिर से add field पर क्लिक करें। इस बार हम date field चुनेंगे। लेबल में इवेंट डेट टाइप करें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अभी के लिए हम वैल्यू 1 ही रखेंगे। डेट टाइप ड्रॉप डाउन में डेट ओनली ऑप्शन चुनें। सेव फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करें। फिर से हमें कॉन्टेक्स्चुअल सेटिंग्स पेज मिलता है। यहां डिफॉल्ट डेट को करंट डेट में बदलें। सेव सेटिंग्स पर क्लिक करें। अब यहां जोड़ने के लिए हमारे पास दो और फील्ड्स हैं, लेकिन हम इन्हें अभी नहीं जोड़ सकते। हम उन्हें आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में पहुंच गए हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने नए कंटेंट टाइप को बनाना और कंटेंट टाइप के लिए फील्ड्स को जोड़ने के बारे में सीखा। यह वीडियो Acquia और OS ट्रेनिंग से लिया गया है और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है। इस लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करके देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NVLI संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है। यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।